सब्सक्राइब करिए कमल विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ऑल पर और पाइए हमारे नए नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल विश्वकर्मा में। तो फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ITI की बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपका इसमें दिया गया है, अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही सुना और देख पा रहे हैं, आप लोगों का दिया गया है अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी कोई परीक्षा। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग किस प्रकार पास होंगे, आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, तो मैं फ्रेंड्स आपको सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ प्रूफ के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है ITI फैमिली ग्रुप। और फ्रेंड्स आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स इसमें 6200 प्लस मेंबर इसमें शामिल हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग आज ही जुड़ जाइए हमारे ITI फैमिली ग्रुप से। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी कोई परीक्षा। जैसा कि फ्रेंड्स आपका इसमें दिया गया है, पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, ये नई दिल्ली का न्यूज़पेपर है जो कि आपका इसमें दिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं भी न लेने का फैसला किया गया है। और फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, इसमें आपका दिया गया है, सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। UGC इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों को 2020 सत्र में दाखिले के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने सरकार से परीक्षा न करवाने की मांग रखी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व UGC की 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में प्रावधान दिया था कि यदि कोरोना के हालात नहीं सुधरते हैं तो अंतिम वर्ष तक की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। और फ्रेंड्स आपका जो नए सत्र वालों का एडमिशन है फ्रेंड्स, वो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, अगस्त सितंबर से नया सत्र नहीं, कोरोना मामलों को देखते हुए अभी अगस्त या सितंबर में नया सत्र शुरू नहीं होगा। UGC ने अप्रैल में अगस्त में पुराने और सितंबर से नए छात्रों का सत्र शुरू करने के निर्देश दिए थे, पर अब इसमें बदलाव होगा, नया सत्र अक्टूबर तक टल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर बेल को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो देखने धन्यवाद।